हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लास। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन सेकंड, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 एंड वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन में आपको शो करना है कि हम किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को इन थ्री फॉर्म्स में लिख सकते हैं, 6q+1 की फॉर्म में, 6q+3 की फॉर्म में और 6q+5 की फॉर्म में, और जहां पे ये जो q है वो क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है हमारा, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। एंड बी इज इक्वल टू, और जो बी है वो क्या है हमारा, 6 है। ओके, देन अप्लाई, अब हमें अप्लाई करना है, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, लेमा भी बोल सकते हैं हम इसको, एलोगरिथम भी बोल सकते हैं। यहां पे आप एलोगरिथम लिख लीजिए, एलोगरिथम, हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। अब देखिए मैंने यहां पे बी 6q लिखा, बी 6 लिखने का क्या रीजन है, आप इसको, इस इक्वेशन को और इस 6q+1 को, 6q+3 को और 6q+5 को कंपेयर करके देखिए। देखिए क्यू के साथ क्या लिखा है, वहां पे 6 लिखा है, यहां पे भी 6, क्यू के साथ क्या लिखा है 6, और यहां पे भी क्या लिखा है क्यू के साथ 6। इट मीन्स ये क्यू के साथ 6 क्या गिवन है हमें, बी गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन में 4q+1 गिवन होता, 4q+3 गिवन होता, 4q+5 गिवन होता, तो आप बी क्या लेते, 4 लेते, मतलब क्यू के साथ जो वैल्यू दी है वो क्या होगी हमारी, क्यू होगी। तो Q क्या हो गया इस केस में हमारे पास, सॉरी B क्या हो गया हमारे पास इस केस में, 6 हो गया। ओके, अब A हमें पता है, A को हमने क्या किया, लेट A, अब आपने ये जब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया तो उसमें बोला था कि R क्या हो सकता है, R या तो 0 के इक्वल होगा, R या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा, आर या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा, बट बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब इसको हम नहीं लिख देते, देखिए बी तो क्या है, 6q+r, अब आर की वैल्यू क्या आएगी इसको, आर इज इक्वल टू, बट हमने बोला जैसे 0 हो या फिर 6 से कम, 6 से कम क्या क्या नंबर, मतलब b से कम मतलब 6 से कम, b से कम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, क्योंकि b क्या है, 6, तो उसे कम वाले नंबर लेने हैं। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। अब हमें 1 by 1 एक वैल्यूज लेनी है हर एक की r की, पहले हम केस 1 करते हैं जिसमें R की वैल्यू क्या होगी, 0। अब हमने अपनी इक्वेशन लिखी, ये दोबारा से अगेन हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, A इज इक्वल टू 6q+ में R, यहां पे वैल्यू पुट कर लीजिए, 6q पता नहीं हमको, तो हमने Q ऐसे का ऐसे लिख दिया, R क्या है, 0, R इज 0, सो क्या वैल्यू आई A की यहां पे, 6 क्यू, आर ए की क्या वैल्यू आई, 6q। अब ध्यान से देखिए आप, इस 6q को
अगर हम टू से डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, सिक्स क्यू को अगर हम टू से डिवाइड करें यहां पे तो क्या आ जाएगा, थ्री क्यू आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये सिक्स क्यू अगर टू से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स सिक्स क्यू क्या है, इवन नंबर है। जो भी नंबर टू से डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर। इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर। तो हम यहां पे लिख देते हैं एज इट इज डिवाइडेड बाय टू सो दिस इज इवन नंबर। ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया हमारा, सो दिस इज इवन नंबर। अब हमने आर की वैल्यू जीरो ले ली, अब हम आर की वैल्यू क्या लेंगे, वन। नेक्स्ट केस लेते हैं, आर की वैल्यू वन। केस सेकंड, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस में आर, सिक्स क्यू। नाउ आर इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख देते हैं व्हेन आर इक्वल टू वन, ऐसे आप ऊपर भी लिख दीजिए व्हेन आर इक्वल टू जीरो। तो क्या बना, सिक्स क्यू प्लस वन। अब क्या वैल्यू आई, सिक्स क्यू प्लस वन आई हमारी, ए की वैल्यू क्या आई, सिक्स क्यू प्लस वन। अब देखो आपने ऊपर बोला कि सिक्स क्यू क्या है, इवन नंबर है, और जब भी हम किसी इवन नंबर में वन ऐड करें तो क्या आता है, ओड नंबर। देखो टू, टू इज अ इवन नंबर, टू में हमने वन ऐड किया तो क्या आया, थ्री, थ्री क्या होता है, ओड। फोर इज अ इवन नंबर, फोर में हमने वन ऐड किया तो क्या आया, फाइव, फाइव भी क्या है हमारा, ओड नंबर है। ट्वेल्व, ट्वेल्व क्या होता है, इवन नंबर, इसमें हमने वन ऐड किया, थर्टीन बन गया, थर्टीन क्या होता है, ओड नंबर। तो जब भी हम किसी इवन नंबर में वन ऐड करते हैं तो वो नंबर क्या बन के आता है, रिजल्ट क्या आता है, ओड नंबर। अब सिक्स क्यू था, क्यू क्या था, इवन नंबर था, और इवन नंबर में हमने वन ऐड किया तो ये क्या बना, अब हम लिखेंगे इट इज ओड नंबर, इट इज ओड नंबर। क्यों ओड नंबर है, क्योंकि इवन नंबर में जब हम वन ऐड करते हैं तो क्या आता है, ओड नंबर आता है। सेकेंड हो गया हमारा, अब हम थर्ड केस लेते हैं अपना, केस थर्ड, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस में आर। अब हमें आर की वैल्यू क्या लेनी है, यहां पे सिक्स क्यू प्लस में आर क्या है हमारा, टू, आर इज टू। यहां पे हम लिखते हैं व्हेन आर इज इक्वल टू टू। अब ये क्या है, देखिए सिक्स क्यू था, सिक्स क्यू क्या है, इवन नंबर, और जब हम इवन नंबर में टू ऐड करें तो रिजल्ट क्या आता है, इवन नंबर आता है या ओड आता है, इवन। देखो टू इवन नंबर है, टू में टू प्लस किए फोर, फोर इवन नंबर है, फोर में टू ऐड किए सिक्स, सिक्स में टू ऐड किए एट, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन नंबर, इवन नंबर आ रहा है। तो यहां पे ये क्या होगा, सिक्स क्यू प्लस टू क्या हो गया, इट इज इवन नंबर। ठीक है, इट इज इवन नंबर। अब हमें फोर्थ केस निकालना है अपना। अब फोर्थ केस में हमें क्या लेना है, फोर्थ केस में क्या वैल्यू है हमारी आर की, थ्री। ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस में आर, सिक्स क्यू प्लस में आर कितना लिया हमने, थ्री। अब देखो सिक्स क्यू क्या है, इवन, इवन में तीन ऐड करो, दो में तीन ऐड किए पांच, ठीक है, चार में तीन ऐड करो सेवन, ठीक है, ट्वेल्व में थ्री ऐड करो फिफ्टीन, क्या आ रहा है, ओड। रिजल्ट क्या आ रहा है, ओड। मतलब जब हम इवन नंबर में थ्री ऐड करें तो क्या आएगा, ओड, इट इज ओड नंबर। इट इज ओड नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम यहां कर देते हैं, रब करने की जाए। केस टू केसेस रह गए हमारे, केस नंबर फोर हो गया, केस फाइव। देखिए केस फाइव में क्या है, सेम वैसे ही करना है, बिल्कुल इजी है।
ए निकालना है हमको सिक्स क्यू प्लस आर। अब हमने सिक्स क्यू लिखा, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या डाल दी हमने, फोर, आर इज इक्वल टू फोर। अब हमें इवन नंबर में फोर ऐड करना है, टू प्लस फोर सिक्स, ठीक है, ऐसे सिक्स प्लस फोर टेन, क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो किसी इवन नंबर में जब हमने फोर ऐड किया तो इवन आएगा, तो ये भी क्या हो गया, सिक्स क्यू प्लस फोर इवन नंबर, इट इज इवन नंबर। लास्ट केस हमारा केस नंबर सिक्स, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस में आर, सिक्स क्यू, अब आर की वैल्यू क्या है, फाइव, आर इज इक्वल टू फाइव, ओके। अब किसी इवन नंबर में फाइव ऐड करें तो टू प्लस फाइव सेवन, ठीक है, ऐसे आप फोर प्लस फाइव इलेवन, क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, इट इज एन ओड नंबर, ये क्या है, ओड नंबर है। अब आप चेक करिए, देखिए ओड नंबर कौन कौन से हैं हमारे, एक तो ये वाला, ठीक है, एक हमारा ये वाला, और एक कौन सा बना हमारा, ये वाला। अब चेक करो ओड नंबर में क्या बोले, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव, यही तो हमें शो करना था कि हम किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को, हम एक ओड नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिक्स क्यू प्लस वन की फॉर्म में, सिक्स क्यू प्लस थ्री की फॉर्म में, और सिक्स क्यू प्लस फाइव की फॉर्म में। तो यही किया हमने, पॉजिटिव ओड इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा, देखो ये ओड इंटीजर है तो ये किस में आ रहे हैं, सिक्स क्यू प्लस फाइव की फॉर्म में आ रहा है, ये सिक्स क्यू प्लस थ्री की फॉर्म में आ रहा है, और ये सिक्स क्यू प्लस वन की फॉर्म में आ रहा है, तो हमारा प्रूफ हो गया। हमें शो कर दे तो हम यहां लिख देंगे लास्ट, दस एनी पॉजिटिव विच ओड ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव, ओके। वी विल डू क्वेश्चन नंबर थ्री। एन आर्मी कॉन्टिजेंट 660 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अप्रैल। एक आर्मी कॉन्टिजेंट की ग्रुप में जिसके अंदर 660 मेंबर्स हैं, ये मार्च कर रहे हैं किसके पीछे, आर्मी बैंड के पीछे, जो आर्मी का बैंड है उसके पीछे ये मार्च पास कर रहे हैं, और इस आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये दोनों ग्रुप्स सेम कॉलम्स में, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च पास कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है जिसके अंदर ये मार्च पास कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा बैंड है, आर्मी बैंड है, और ये इस कॉलम में मार्च पास कर रहा है ऐसे इन लाइन्स, ठीक है, ये ऐसे कर रहा है, और उन्होंने बोला जो आर्मी कॉन्टिजेंट है वो इसके पीछे मार्च पास कर रहा है, इसके भी कितने कॉलम है, सेम, जितने इसके कॉलम है आर्मी बैंड के उतने ही हमारे किसके कॉलम है, आर्मी कॉन्टिजेंट के कॉलम है। अब हमें नहीं पता कि ये कितने हैं कॉलम और ये कितने हैं, तो हमने लेट कर लिया, मान लीजिए ये कितने हैं एन, ये कॉलम कितने हैं एन, लेट नंबर ऑफ कॉलम्स इज एन, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं मान लो एन है, तो यहां भी एन होगे, यहां भी एन होगे, क्योंकि सेम है। अब इसके अंदर मान लीजिए कितने लोग हैं, एक कॉलम में, एक लाइन में कितने लोग हैं, हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है,
लेट नंबर ऑफ मेंबर इन वन कॉलम, इन वन कॉलम ऑफ बैंड, आरबी बैंड, आरबी बैंड में कितने लोग हैं, एक्स। ऐसे हमने यहां मान लिया लेट नंबर ऑफ मेंबर इन वन कॉलम ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट, ठीक है। इसकी एक लाइन में कितने लोग खड़े हैं, वाई, इसको हमने मान लिया वाई। इसकी एक लाइन में वाई लोग खड़े हैं और इसकी एक लाइन में एक्स लोग खड़े हैं। तो अब टोटल नंबर के टोटल कितने लोग हो गए, देखो आर्मी बैंड, आर्मी बैंड उन्होंने हमें बता रहे कि टोटल लोग कितने हैं 32, टोटल लोग कितने हैं 32। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एन मल्टीप्लाई में एक्स, जितने कॉलम है और एक कॉलम में जितने लोग हैं उसे मल्टीप्लाई कर दो, एन मल्टीप्लाई में एक्स। मान लो यहाँ पे सिक्स लोग हैं और ये कितनी लाइन है, मान लो फाइव, तो सिक्स फाइव 30 लोग हो जाएंगे ना टोटल। तो टोटल लोग हमें बता रखे हैं क्वेश्चन में कि आर्मी बैंड में कितने लोग हैं 32, और हमने लेट कर लिया कि इतने तो कॉलम है और एक कॉलम में इतने व्यक्ति हैं, इतने पर्सन है, तो एन मल्टीप्लाई में एक्स हो गया। ऐसे आर्मी कॉन्टिजेंट के लोग भी हमें बता रखे हैं टोटल कितने, 616 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन मल्टीप्लाई में वाई, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, जिसके बीच में वो मार्च करे। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में आए, एन दोनों में आ रहे हैं कॉमन है, और क्या निकाल लें, मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालो जिसके अंदर ये मार्च कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम तो यही है हमारा एन ही, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एफसीएल, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज फाइंड आउट बाय एफसीएफओ 616 and 32 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। क्या यूज करेंगे हम, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। कैसे करेंगे अब इसको, देखिए हम ये हमारा सबसे पहले क्या करते थे एल्गोरिथम में, हम चेक करते थे कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 616, उसको डिविडेंड मान लेंगे 616, और ऊपर करते हैं हम यहाँ पे 616 और 32 से डिवाइड किया, 32 वन दा 32, 11 में से 2 गए 9, देन यहाँ बचा 5 में से 3 गए 2, क्या लेके आए ऊपर से 6, अब किस पे जाएगा ये 9 पे करके देखिए 9 2 दा 18, 9 3 दा 27, 27 प्लस 1 28, तो 16 में से 8 गए 8, यहां बचा हमारा 80, देन 0, यहां क्या आ गया 19। अभी हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 8 आया, तो हम पहले अब इसको यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, पहले वाले को 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई में 19 प्लस में 8,
ओके अभी रिमाइंडर एट नहीं आया था, हम अपने प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। अब क्या होगा, 32 डिविडेंड बन जाएगा और 8 डिवाइजर, तो 8 फोर द 32, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अब हम 32 को किस फॉर्म में लिखेंगे, 32 8 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में रिमाइंडर कितना है 0। तो हमने क्या बोला था, जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवाइजर क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ इज डिवाइजर ऑफ, इज डिवाइजर ऑफ द स्टेप इन विच R is equal to 0। यहां पे HCF क्या आया, सो HCF is क्या आया, HCF 8। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।